हेलो एवरीवन, मैं हूं डैड सर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साइट इंटर्नशिप के इस कोर्स में। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस पे जो हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। अगर आप ये वीडियो अपने कोर्स में देख रहे हैं तो ये आपके साइट इंटर्नशिप प्रोग्राम का पहला वीडियो है जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि हम लोग इस साइट पे, ये हम लोगों का साइट किस तरह का है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं और साइट इंटर्नशिप के प्रोग्राम में एक्चुअली में होता क्या है, साइट इंटर्नशिप होता क्या है। तो साइट इंटर्नशिप में जो सिविल इंजीनियर जो या तो पास आउट हो चुके हैं और साइट पे जूनियर इंजीनियरिंग की जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको जब वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर पास करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स का नॉलेज उनको हो चुका होता है, जैसे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, ये सारे सब्जेक्ट्स वो अपने थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके होते हैं। अब साइट इंटर्नशिप का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि इस तरह के स्टूडेंट्स या जो फ्रेशर इंजीनियर जो पास आउट हो चुके होते हैं उन लोगों को जब साइट पे एक जूनियर इंजीनियर जाता है या साइट इंजीनियर जब अपने साइट पे पहुंचता है तो वहां उसको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें उसको प्लानिंग करनी पड़ती है या उसके डिसीजन के हिसाब से कोई चीज़ साइट पे एग्जीक्यूट होता है। जैसे अगर फाउंडेशन बनाना है, अभी हम जिस पे खड़े हैं ये एक पाइल कैप है, अगर पाइल कैप इसको बनाना है तो इसको बनाने से पहले जब आप इस साइट पे पहुंचे होंगे तो यहाँ पे घास होगा या मैदान होगा, उस मैदान में आपका डिसीजन लेना कि कहाँ पे हम लोगों का फुटिंग होगा, उस फुटिंग में को ड्राइंग से देख करके लेबर को या मिस्त्री को ये समझाना कि इस ड्राइंग के हिसाब से ये वाला फुटिंग इतने थिकनेस का है और वो साइट पे इस लोकेशन पे बनाया जाएगा। मिस्त्री या लेबर इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं, ड्राइंग को पढ़ करके, जो ड्राइंग आपके साइट पे आता है कंस्ट्रक्शन का उसको पढ़ करके मिस्त्री या लेबर या सुपरवाइज़र बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकता है, लिमिटेशन होती है नॉलेज की। तो उस नॉलेज को दिया जाता है सिविल इंजीनियर को जो आप अपने थर्ड सेमेस्टर से लेकर के सिक्स सेमेस्टर या एट सेमेस्टर तक पढ़ते हैं डिप्लोमा में या बीटेक में। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग आपको यही चीज़ सिखाने वाले हैं कि जब सबसे पहला दिन आप एक साइट पे पहुंचते हैं जहां पे अभी कुछ भी नहीं है, वहां पे आपको फाउंडेशन बनाना है, उसके लिए पहले आपको लेआउट करना है और उसी तरह से फिर फाउंडेशन, फिर कॉलम, फिर बीम पे जाकर के फिर आपका फ्लोर स्लैब आएगा और किस तरह से बिल्डिंग को कम्प्लीट किया जाता है। एक सिविल इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बिल्डिंग को फाउंडेशन से लेकर के रूफ़ तक कम्प्लीट करे, तो उसके लिए क्या क्या नॉलेज ज़रूरी होता है वो नॉलेज हम लोग इस कोर्स में देंगे, क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग बुक्स में नहीं पढ़ पाते हैं या हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता है कि साइट पे एक्चुअल में वो प्रॉब्लम किस तरह से आ सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स में करने वाले हैं। अभी आपका आज ये पहला लेक्चर है तो आज आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आगे 20-25 लेक्चर्स अगर आप देखने वाले हैं तो आपका टारगेट क्या होगा 20-25 लेक्चर देखने का, आप क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने वाले हैं किसी भी काम को करने का प्रैक्टिकल अप्रोच कि किस तरह से प्रैक्टिकली आप उस काम को कर पाएंगे। अगर आप फाउंडेशन के ड्राइंग पढ़ना जानते हैं तो फाउंडेशन का ड्राइंग आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उस फाउंडेशन के ड्राइंग को पढ़ के आप साइट पे किस तरह से एक खाली मैदान में आप ये सारे कॉलम्स और फाउंडेशन जो आप देख रहे हैं ये किस तरह से बनेगा, इसके बनने में प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, लेबर मिस्त्री के प्रॉब्लम से लेकर के मटेरियल साइट पे मिलने का प्रॉब्लम, मटेरियल साइट पे टाइम पे नहीं पहुंचने का प्रॉब्लम, इनके अगर पहुंच जाता है तो कंक्रीटिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या तैयारी होती है, कंक्रीटिंग करने के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये हम लोग बुक्स में प्रिकॉशंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज में पढ़ते हैं, बट उस समय ये सिर्फ पढ़ाई के तरह रह जाता है, ये साइट पे एक्चुअल में बहुत बड़ा इशू होता है ये उस समय समझ में नहीं आता है। जो हम लोग अपने बुक्स में पढ़ते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होता है, वो डिसएडवांटेज जो हम लोग पढ़ते हैं चार पॉइंट्स में, वो डिसएडवांटेज एक्चुअल पे साइट पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो वो डिसएडवांटेज को हम लोग कैसे दूर करें ये चीज़ हम लोग बुक्स में नहीं पढ़ते हैं, डिसएडवांटेज पढ़ते हैं लेकिन उसको साइट पे दूर कैसे किया जाएगा ये हम लोगों को नहीं पता होता है, हम लोग ये भी इस साइट ट्रेनिंग के प्रोग्राम में सीखेंगे। तो जो टोटल आपके 20-25 लेक्चर्स अगर होते हैं या 30 लेक्चर्स अगर आपके होते हैं तो उसमें आपका 50-60% जो होगा वो आपका ये प्रैक्टिकल वीडियोस होगा जिसमें हम आपको एक एक करके सारे ही कंपोनेंट्स, फाउंडेशन, पिलर, बीम्स और स्लैब्स, रूफ, सारी चीज़ों का, यहाँ तक कि प्लास्टर, टाइल्स, हर एक चीज़ का होता हुआ प्रोसेस और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है साइट पे उसका वीडियोस रहेगा। लेकिन बाकी 50% जो होगा
वो हमको ये कंसिडर करके कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर हैं और आप पास आउट हो चुके हैं डिप्लोमा या बीटेक, लेकिन फिर भी आपको कुछ भी नहीं याद है पीछे का, तो इसको मानते हुए हम आपको 50% जो है वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एक साइट, अगर आप उस पूरे कोर्स को करते हैं तो साइट पे पहुंचने के बाद क्या नॉलेज ज़रूरी है और उसको किस तरह से कराते हैं, ये दोनों चीज़ आपका कवर हो जाएगा। क्या ज़रूरी है नॉलेज, ये आपका कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में आ जाएगा, जो हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना करके नोट्स के तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे, उसका पीडीएफ भी आपको रहेगा, आप उसको अपने पास सेव रख सकते हैं, और जब भी आप किसी साइट पे जाने वाले होंगे उसके पहले आप उन सारे लेक्चर्स को देखेंगे या उन सारे पीडीएफ्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि साइट पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और जो प्रैक्टिकल वीडियोस होंगे वो आपको बताएंगे कि साइट इंजीनियर क्या क्या चीज़ें साइट पे ऑब्जर्व करता है, क्या चीज़ें उसके कंट्रोल में होती हैं, क्या उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं, उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, किस चीज़ के बाहर की चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये लिमिटेशन पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके इस पूरे कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। और जब ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। बट सिर्फ इंटर्नशिप कंप्लीशन के सर्टिफिकेट को हम लोग इंटर्नशिप का नॉलेज नहीं कह सकते हैं, आपको नॉलेज गेन करना होगा, सारे जो आप अभी क्लासेस देखेंगे इन सारे क्लासेस को आपको थॉरली देखना होगा, और उसके बाद फिर आपको जब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो उस सर्टिफिकेट को आप यूज़ करके आप कहीं भी, जब आप साइट पे जॉब पे जाएंगे तो साइट के जॉब पे आप ये सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहाँ इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप किसी साइट इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आपको साइट का एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो क्योंकि आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपने साइट पे अभी तक जॉब नहीं किया है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आपने अपने कॉलेज डेज में समर वैकेशन में या विंटर वैकेशन में आपने साइट का इंटर्नशिप प्रोग्राम किया है, सर्टिफाइड इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें आप एक रजिस्टर्ड कंपनी से आप साइट का 4 वीक्स का या 6 वीक्स का इंटर्नशिप करते हैं, तो वो आपसे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरव्यू इंटर्नशिप में आपने क्या क्या चीज़ें सीखा या उसमें आपने क्या क्या चीज़ें बनाया, ये सारी चीज़ें वो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा। तो वो चीज़ें जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या नॉलेज आपको है, और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी हम आपको इस कोर्स के एंड पे, जो सबसे लास्ट आपका वीडियो होगा उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि जो टॉप 20 क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एक फ्रेशर इंजीनियर से साइट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो ये हम लोगों का आज का पहला वीडियो है, आज के वीडियो का पर्पस सिर्फ ये था कि आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आपको ये चीज़ बताना। अब एग्जैक्टली इस साइट को, ये साइट आपका किस तरह से दिखता है, इस साइट पर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इन सब को हम लोग आगे धीरे धीरे डिटेल्स में एक एक करके प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपको एक दो वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, जब आप फाउंडेशन का स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट सीखना उसके पहले आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है साइट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो हम लोग सिखाएंगे। फिर थर्ड या फोर्थ जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको इस वाले प्लॉट का, ये हम लोगों का जो इंटर्नशिप हो रहा है वो हम लोगों का इस वाले बिल्डिंग का होगा, इसका हम लोग फाउंडेशन से लेकर के रूफ तक का सारा इन्फॉर्मेशन इस बिल्डिंग का या फिर इसके सराउंडिंग में जो और डिफरेंट बिल्डिंग्स होंगे उनका हम लोग सीखेंगे। तो जो पहला 2-3 लेक्चर होगा वो आपका कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा, उसके बाद जो फोर्थ वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग आपको ड्राइंग किस तरह से रीड करते हैं, जो इस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन ड्राइंग होगा उसको हम आपको रीड करना सिखाएंगे। उसको रीड करने के बाद फिफ्थ वाला लेक्चर आपका प्रैक्टिकल वीडियो होगा, जिसमें हम आपको उस ड्राइंग को रीड करने के बाद इस साइट पे उसको किस तरह से पहचानते हैं, क्योंकि जो आप ड्राइंग में देखते हैं, जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो आप ड्राइंग में देख रहे हैं वो एक्चुअल साइट पे समझ में नहीं आता है, तो किस तरह से सिविल इंजीनियर उसको समझता है और लेबर या मिस्त्री को समझाता है और उसको एग्जीक्यूट करवाता है, उसका प्रैक्टिकल वीडियो जो होगा वो आपको आपका फिफ्थ वाला लेक्चर होगा। फिर उसी तरह से फाउंडेशन के बाद फिर आपका शटरिंग पे होगा, एक्सकेवेशन पे होगा, प्लिंथ बीम पे होगा, कॉलम्स पे होगा, कॉलम के रेनफोर्समेंट किस तरह से बांधे जाते हैं, कॉलम का रेनफोर्समेंट हम लोग डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं, और प्रैक्टिकली साइट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, रस्टिंग किस तरह से आ जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कॉलम वाले वीडियोज़ में प्रैक्टिकल में देखेंगे। फिर उसी तरह से आपका स्लैब का कंस्ट्रक्शन होगा, फ्लोर स्लैब होगा, रूफ स्लैब होगा, प्लास्टर होगा, टाइल्स होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस बाय प्रोसेस वीडियोस बाय वीडियोस आपकी आती रहेंगी। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस होंगे और फिर उसके बाद कुछ आपके प्रैक्टिकल वीडियोस भी आएंगे।
तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 50% कॉन्सेप्चुअल, 50% आपके प्रैक्टिकल से आपका ये टोटल साइट इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस जो है वो जब आप डैड सर के चैनल पर या आप डैड सर के वेबसाइट से जब आप कोर्स ले रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कवर हो जाए, और जब आप ये कोर्स कंप्लीट करें तो आप एक फ्रेशर साइट इंजीनियर से एक स्टेप ऊपर खड़े हों। अब आपको साइट का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि हम लोग किन बिल्डिंग्स पे काम करने वाले हैं। एक जो आप ये सामने देख रहे हैं ये G+4 स्टोरी का आपको हॉस्पिटल के अंदर ही एक ब्लॉक बन रहा है, और एक प्लॉट है जिस पे अभी हम लोग खड़े हैं, इसका अभी फाउंडेशन का काम चल रहा है। तो हम लोग बेसिकली इन दो बिल्डिंग्स को कंबाइंड करके हम लोग अपने इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम को करेंगे, जिसमें आपको इस G+4 स्टोरी का अभी अलग अलग लेवल्स पे काम चल रहा है। कहीं पे लिंटल का काम चल रहा है, कहीं पे रूफ के स्लैब का कास्टिंग हो रहा है, और कहीं पे आपको ब्रिक वर्क का और प्लास्टर का काम हो रहा है। और इस वाले प्लॉट में हम लोगों का अभी फाउंडेशन का एक्सकेवेशन और उसका कंस्ट्रक्शन दोनों एक साथ चल रहा है। कहीं पे पाइल्स कंप्लीट हुआ है बनना, अब पाइल कैप का रिइंफोर्समेंट लगेगा, कहीं पे आपको रिइंफोर्समेंट लग चुका है, कास्टिंग हो चुकी है। तो हम लोग एक एक करके सारे इस प्रोजेक्ट्स पे स्टार्टिंग से बात करेंगे कि पहले जब एक्सकेवेशन हुआ तो किस तरह का प्रॉब्लम आया, एक्सकेवेशन पाइल कैप वाले जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें एक्सकेवेशन कैसा होता है, और नॉर्मल जब हम कोई वॉल बनाते हैं उसमें आपका एक्सकेवेशन होता है तो वो कैसा होता है, ये चीज़ें हम लोग इस प्रोजेक्ट में सीखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक किशनगंज का MGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जिसमें आपको ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं बने हुए वो पहले से बने हुए ब्लॉक्स हैं और बाकी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये आपका वाटर लॉग्ड एरिया है, इसमें आपको 3 फीट 4 फीट के आसपास का आपको वाटर लॉगिंग हुआ हुआ है। तो ऐसे ग्राउंड में ये जो भी आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं फाउंडेशन का, यहाँ भी ये सेम यही वाला पोजीशन था। तो ऐसे जगह पे जब आप फाउंडेशन बनाने जाते हैं जहाँ पे 3 फीट 4 फीट पानी पहले से ही आपको वाटर लॉग्ड हो चुका है, तो वहाँ के सॉयल का जो बियरिंग कैपेसिटी होता है, जो स्ट्रक्चर के लोड को उठाने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ये हम लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग नॉर्मल आइसोलेटेड फुटिंग्स दे सकें, या फिर हम लोग वहाँ पे राफ्ट देंगे, या फिर हम लोग वहाँ पे पाइल कैप देंगे, पाइल्स मतलब प्रोवाइड करेंगे, डीप फाउंडेशन देंगे या सैलो फाउंडेशन देंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इस वाले प्रोजेक्ट में। जब हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर्स हम लोगों के स्टार्ट होंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कहाँ पे हम लोग सैलो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग पाइल फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, फिर पाइल फाउंडेशन क्या होता है, कैसे इस साइट पर उसको यूज़ किया गया, यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर उसी तरह से आपको प्रैक्टिकल ला करके दिखाएंगे कि किस तरह से वो पाइल को बनाया गया, पाइल का रिइंफोर्समेंट कैसे बांधा गया, उसका क्या क्या रिइंफोर्समेंट उसमें प्रोवाइड किया गया, किस तरह से ये चीज़ें निकाली जाती है, ड्राइंग में हम लोग कैसे रीड करेंगे उन सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको रिपोर्ट अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा इंटर्नशिप प्रोग्राम का, तो उसके लिए आपको रिपोर्ट बनाने में जो हेल्प होगा वो हम लोग आपको करेंगे। आप अपना रिपोर्ट अपने एंड से, जो आप इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम से जो आप सीखेंगे, जो आपको PDFs मिलेंगे, जो इमेजेस मिलेंगे, उसके हेल्प से आप अपना वर्ड फाइल में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और फिर जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा या अगर आपको वो रिपोर्ट रिव्यू कराना होगा तो आप वो रिपोर्ट हमें भेज सकते हैं। फिर उसको रिव्यू करके उसमें जो जो करेक्शंस होना चाहिए वो आपको बता दिया जाएगा, वो सारा आपको रिपोर्ट बनाने में जो हेल्प होगा वो इसमें दिया जाएगा। इंटर्नशिप कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका जो आप एड्रेस प्रोवाइड करेंगे उस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा। तो इस टोटल कोर्स में हम लोग साइट इंजीनियरिंग के साथ साथ हम लोग इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट और साथ में रिपोर्ट प्रिपरेशन में जो हेल्प है, ये चीज़ें आपको कंबाइंड रूप से आपको इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम में कराने वाले हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे अब स्टॉप करेंगे। आज के वीडियो का मेन पर्पस था आपको एक साइट्स का ओवरव्यू देना कि हम लोग किस साइट पे अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम को करने वाले हैं। तो ये वीडियो YouTube और वेबसाइट दोनों पे ही लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो इंटर्नशिप प्रोग्राम का। जो भी लोग इस कोर्स से जुड़ चुके हैं आप सबका डैड सर पे बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग इसको YouTube पे देख रहे हैं वो लोग अगर साइट इंजीनियरिंग का नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि वो कल को साइट पे जॉब करने वाले हैं तो ये कोर्स उनके लिए है। वो लोग इस कोर्स को परचेज करके अपने साइट इंजीनियरिंग के नॉलेज को और बेटर बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस कोर्स के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं ये कमेंट्स में बताना ना भूलें। थैंक यू।